हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है विजयदशमी, तो सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं कि आज हमारे सबसे छोटे बेटे यानी कि युगवीर के मुंडन का दिवस है। तो आज हम पहले दशहरा जो होता है बच्चे का, उस पर हम बच्चे का मुंडन करवाते हैं और वो बहते पानी में होता है। तो इसलिए हम जा रहे हैं यमुना नदी के तट पर। और कल सोने में लेट हो गया था इसलिए सुबह आज उठे भी लेट, बट फाइनली अब हम सभी रेडी हैं। 1:45 बजे का टाइम हो गया और ये अब इसके जो बाल हैं आप लास्ट टाइम देख रहे हो, अभी इसको जाके मुंडवा देंगे और सब रेडी हैं। मिलते हैं आपसे यमुना नदी के तट पे। सब रेडी हो चुके हैं तो पापा जा नहीं रहे, पापा यहीं पे घर पे रुक रहे हैं। कह भी रहे हैं पापा को चल लो साथ में, मना कर रहे हैं चल लो। तो चल लो ना, पास में ही जाना। अब तो दूर, पहले गंगा जाने का, गढ़गंगा जाने का प्लान था। और ये देखो अभी यहाँ श्रृंगार चल रहा है सबका, बच्चे के बाल कटने हैं बट यहाँ पे उसके लिए भी श्रृंगार चल रहा है। तो अब कुछ ही देर में हम निकलने वाले हैं, गाड़ी बाहर है तो मैं गाड़ी लेके आऊँगा और फिर हम सब निकलेंगे। और ये युगवीर बेचारा देख रहा है ये कैमरे में क्या चल रहा है, हार्दिक चीखा चिल्ली कर रहा है पीछे। और ये देखिए बाल इसके अच्छे खासे आए थे जब ये हुआ था और अभी तो ठीक ठाक हो गए हैं। अभी ये 10 महीने का हुआ है, 11 महीने का हो गया, नवंबर का बर्थ है इसका। और फाइनली आज इसका फर्स्ट मुंडन होगा, उसके बाद देखते हैं किस स्पीड से हेयर ग्रोथ करती है इसके। अगले महीने इसका बर्थडे भी है तो बर्थडे पे तो ये टकला ही होने वाला है। तो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं मुंडन के लिए और अभी आधे घंटे तक में पहुँच जाएंगे हम यमुना नदी तट पे। फिर हम बाकी की जो है वहीं पर शूटिंग करेंगे। तो अभी हम ये वजीराबाद वाली रोड पे आ चुके हैं, इधर से मेट्रो की लाइन है और एक पूरा लूप है जो आपको इस तरफ टर्न पे ले आता है। यही रोड आगे ISBT पे भी जाता है और सिग्नेचर ब्रिज पे भी जाता है। काफ़ी अच्छे रोड और फ्लाईओवर बन गए हैं यहाँ पे। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ यमुना पे, यमुना घाट पे। और अब हम जा रहे हैं, इधर से कच्चा रास्ता हो गया अब तो आगे हमें जाना पड़ेगा। तो चल रहे हैं वहाँ पे घाट की तरफ और बच्चे हमारे साथ हैं। विशेष के टाइम पे आए थे तो यहाँ पे पक्का रास्ता था और पक्का घाट था, पर अभी लोग प्लास्टिक कचरा वगैरह डालते हैं तो इस वजह से पक्का घाट बंद कर दिया। कुछ कोविड का रीज़न हो सकता है तो अभी हम जो है ये कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। सब लोग यहीं से ही जा रहे हैं और आज दशहरा है और दुर्गा पूजा का भी लास्ट दिन है तो उस वजह से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और सामने यमुना नदी बह रही है, बहाव अच्छा खासा है इस बार। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तब पानी इतना तेज़ बहाव में नहीं था, उस टाइम तो जो घाट बनाया हुआ था उधर घाट के वहाँ पे एक छोटा सा कुंड टाइप से बनाया हुआ था तो कचरा वचरा उसी में डाल के और फिर आगे प्रोसेस हो रहा था, फिल्टर हो रहा था। बट वो तो अब सारा यहाँ पे बंद कर दिया है। हेयर्स हैं बच्चे के और जो भी लोग बहाने आ रहे हैं वो सब सीधा रिवर में ही जाएगा। एक तरीके से तो ये गलत ही है, जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है जैसे बाल हो गया ये सब हो गया ये तो सब ठीक है, पर प्लास्टिक कचरे से तो नदी कहीं ना कहीं ख़राब ही होगी। तो घाट के पास तो रास्ता कुछ ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ है और तो काफ़ी संभल के यहाँ पे जाना पड़ेगा। आ जा हार्दिक, मम्मी को बुलाओ। यहाँ तक है थोड़ा, उसके बाद तो फिर सिंपल है। तो अभी घाट के पास आ गए हैं, पीछे सवार हैं मम्मी आरती और हार्दिक और विशेष। तो वहाँ सामने देख सकते हो आप सिग्नेचर ब्रिज भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। हाँ नाव है तो वो आप सामने देख सकते हैं, वो सिग्नेचर ब्रिज का पोल है। तो इस पे एक ही पोल है, मुझे तो लग रहा था दो पोल होंगे। ये देखिए पास से थोड़ा सिग्नेचर ब्रिज और यमुना नदी कुछ ऐसी नज़र आ रही है यहाँ पे। वो कहाँ गया नाई, कहाँ गया? हाँ टी शर्ट उतार दो, बाल नहीं नहीं अभी तो फिर वो पानी से नहला देंगे ना। बैठ जाओ और ये सामान ले लो। वेट वेट वेट, अभी अभी पानी गिराने नहीं आगे आ जाओ। ऊंची जगह पे बैठ जाती हूँ। अब यहाँ पर हम युवी का मुंडन करने वाले हैं।
दोस्तों यमुना में मैंने युगवीर के बाल बहा दिए हैं और ये मैंने इस बकेट में थोड़ा सा पानी ले लिया यमुना का। इसमें जो घर से हम गर्म पानी करके लाए हैं वो मिक्स कर लेंगे और साफ़ पानी है वो भी मिक्स कर लेंगे। दही लेके आए हैं उसके साथ हम अभी नहलाएंगे युगवीर को और उसके बाद हम उसको साथ लेके चलेंगे। काफ़ी रो रहा था क्योंकि भाई रोएगा ही, इतना छोटा बच्चा है। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे कैसा माहौल है। आज दुर्गा पूजा का भी लास्ट दिन है तो दुर्गा की मूर्तियाँ भी यहाँ पे आ रही हैं। पहली मुंडन के बाद युगवीर को नहलाया जा रहा है और हार्दिक कह रहा है वो बकेट उसको चाहिए खेलने के लिए और नहीं मिली इसलिए रो रहा है। तो यार तीन बच्चों के साथ और मैनेज करना ही पड़ता। इधर मेरा हाथ युवी कैसा है आपको? चल चल उसे ठंड लग रही। तो फाइनली युगवीर का मुंडन हो चुका है और काफ़ी भीड़ भड़का और हबड़ तबड़ में हो पाता है ऐसा काम। हमारे साथ ये शैतान बच्चे हैं, ये हार्दिक बहुत परेशान करता है जब भी हम ऐसा कुछ काम करते हैं। वो कह रहा था कि बाल्टी उसको चाहिए और पानी की और वो नहलाएगा युगवीर को। तो कोई नहीं, बच्चों के साथ मतलब मैनेज करना ही पड़ता है। तो फाइनली मुंडन हो चुका है और अब हम यहाँ से पैकअप करेंगे और वापसी चलेंगे अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी भी रोड पर ही लगा रखे तो ऐसा ना हो कि कोई उठा के ले जाए। और पहले काफ़ी परेशान हो रहा था, इरिटेट हो रहा था युगवीर, अब जो है आराम से आ गया है मम्मी के पास, नहा भी लिया है, साफ सुथरा हो गया है। तो मिलते हैं आपसे ऑन द वे वापसी में। तो दोस्तों यार फाइनली अब आ गए हैं हम अपने घर पे। घर पे क्या मतलब सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं और थोड़ा सा भी त्यौहार के दिन बाहर निकलना हो जाए तो एकदम से बहुत जो है आफत सी हो जाती है जब बच्चों के साथ निकलना पड़ता है। तो और हमारे तो आज वो रिचुअल्स पूरे करने थे वहाँ पर, आपने देखा कि इतने भीड़ भड़का था। और लंच हम एक्चुअली मॉर्निंग में पराठे खा के गए थे तो इसलिए उस समय लंच का टाइम नहीं था। और वापसी में आए तो फिर रास्ते में एक वो करमपुरा का काफ़ी फेमस है कचौड़ी वाला और भटूरे वाला, कचौड़ी वो नहीं बनाता वो समोसे और भटूरे बनाता है, तो मिलन सिनेमा के पास। तो वहाँ से हम अपना ले आए, ये देखो मौका मिलते कैसे खींच लेते थाली को, तो वो ले आए थे। अब आके कपड़े वपड़े चेंज करके हल्के हुए हैं, अब खा रहे हैं। साथ ही हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ शाम की चाय बन रही है। जब तक ये चाय पेट में नहीं जाएगी, इसकी एक चुस्की नहीं जाएगी मुंह में, तब तक जो है थकान मिटेगी नहीं। तो ये सब हम इंजॉय करते हैं। अभी विशेष ने रावण बनाया है ऐसे ही बच्चों वाला छोटा मोटा सा, शाम को वो बनाएंगे। क्या हो गया टकला, क्यूट तो लग रहा है वैसे। वो दोनों इतने वो नहीं लग रहे थे, वो बड़े अजीब से लग रहे थे। ये टकला जम रहा है ना इनके मुकाबले। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अभी शाम को रावण दहन के समय। ये हमारे पड़ोस के बच्चे ने देखा कितना सुंदर रावण ने, किसने बनाया ये? सबने मिल के मिलाया है, तूने अकेले ने बनाया? पहले तो उसका भाई बनाता था ना, विवेक बनाता था पहले। अभी बन जाएगा ये शाम तक, रेडी हो गया हाथ पैर लगाने बन, वो मिल गए पटाखे। रावण जल गया रावण।